दोस्तों, स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी लेके हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम स्टार टॉक्स फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे। दोस्तों, आई फील वेरी प्रिविलेज, बहुत ही खुशी से आपको ये बता रहा हूँ कि आज जो मेरे स्टार हैं, जी हाँ, वो राइटर हैं, वो सिंगर हैं, वो पेंटर हैं, और एक चीज़ बताऊँ कि हर तरीके के गाने गाते हैं, गज़ल, भजन, बॉलीवुड। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी के साथ, जिनका नाम है अभिजीत सरकार। अभिजीत जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई फील वेरी प्राउड कि आज मेरे को आपके साथ बैठने का मौका मिला, आपके साथ बातचीत करने का। आपने अपने समय से टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिजीत जी, कैसे कि सिडनी में आपके सारे नटराज अकेडमी से काफ़ी सीखे हुए सिंगर्स हैं, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपने सिंगिंग कब शुरू किया? सीखना तो बहुत पहले से था, बचपन से मेरे पेरेंट्स म्यूजिशियंस थे, दोनों उन्हीं से सीखा मैं म्यूज़िक। लेकिन स्टेज पे गया मैं फर्स्ट टाइम 76 में, टैलेंट इवनिंग में लोगों ने कहा कि भाई थोड़ा गा लो और ये ऑडिशन दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने गाना गाया और सिलेक्ट हो गया, तो बस फर्स्ट टाइम वही 76 में स्टेज पर गया। सब आपका जब सिडनी आना कब हुआ? सिडनी में आया मैं 1990 में, तो नियरली 30 ईयर्स होने हैं मुझे, 29 30 ईयर्स। 30 ईयर्स, अ लॉन्ग जर्नी सर। कि जिस टाइम आपने कितने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स किए हैं, कितने आर्टिस्टों के साथ, बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ आपने काम किया है, उसमें से एक बार देवानंद जी के साथ आपका, आपने जब आप कर रहे थे तो देवानंद जी वहाँ पे थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताइए। वो ऐसा था कि उनकी बर्थडे थी और अहमदाबाद शहर है गुजरात में, तो वहीं पे मैं रहता था, तो उनकी बर्थडे थी, तो उन्हें हम कॉल 3-4 लोगों को बुलाया उन्हें गाने के लिए, और उनके जो हिट गाने थे हमने, तो हेमंत कुमार के जितने भी गाने थे पिक्चराइज जो उन पर हुई थी वो मैंने पेश किए उनके लिए। तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, इसलिए क्योंकि वो बड़े बड़े स्टार्स ऐसे होते हैं कि बस प्रोग्राम के बीच में उठ कर चले जाते हैं, लेकिन ये कैसे थे, वो बैठे रहे वहाँ पर और बाद में हम सबसे मिलने आए। दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ हिम, जेंटलमैन। That's good. कोई मीन्स कैसे उनका बर्थडे था, कोई ऐसी यादगार, कोई उस पार्टी की कोई ऐसी बातचीत? एक तो याद है मुझे कि मैं वो केक कटिंग के लिए आया स्टेज पर और मैं उनके बिल्कुल बगल में खड़ा था, और मैं सोच रहा था कि ये तो बंदा जो है 20-22 साल का लग रहा है जी। हाँ, ही मस्ट बी इन हिज 40, मस्ट बी 45th एनिवर्सरी, बिल्कुल याद, 45th, कमाल। मैं यही सोच रहा था और जहर में वही बात मेरी चल रही थी कि कैसे मेंटेन किया इंसान ने अपने आप को, यानी रियली लुक्स नाइस, कि सरप्राइजिंग, वेरी वेरी सरप्राइज्ड। क्या क्या बात है। एंड अभिजीत जी, कैसे कि आपने सुल्ताना जी के साथ, गुलाम अली जी के साथ, अनूप चिलोटा जी के साथ कॉन्सर्ट किए हुए हैं, उनके बारे में कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे कि जब इतने, व्हाट डू यू फील कि इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ जब इतना एक्सपीरियंस काम करने को मिलता है, कुछ छोटी छोटी स्टोरीज जो उनके साथ स्टेज पर शेयर हुई हो? एक तो मुझे याद है कि गुलाम अली उस्ताद, गुलाम अली के साथ वो हारमोनियम के, उनको कोई चाहिए था यहाँ से, तो मुझे कहाँ लोगों ने भेजा। अब उनको ऑडिशन लेना था, वो ऐसे वैसे थोड़ी ना लोग बैठ जाएंगे साथ में जाने के लिए जी, तो मैं गया उनके होटल रूम पर, मैं भी कांप रहा था क्योंकि अब उस्ताद गुलाम अली है, तो हारमोनियम लेके पहुँच गया। उन्होंने कहा कि भाई अच्छा तो आओ बैठो, तो हारमोनियम निकालो, तो मैंने निकाला, तो मैंने जैसे हारमोनियम रखा, बोले कि अब तो मेरा जो कि शावर का टाइम हो गया, तो हाँ जी, मैंने कहा उस्ताद जी जैसी मर्जी आपकी। बोले नहीं नहीं आप एक काम करो, मैं शावर में हूँ, आप बाथरूम के बाहर बैठ जाओ और वहीं पे बजाओ बैठ के, मैं सुन लूँगा जो सुनना है मुझे अंदर से। ओके, हाँ जी। तो मैंने बजाया और वो बजाते रहा, बोले कुछ भी बजाओ चलेगा, तो मैं स्केलिंग वगैरह बजाते रहा, वो आ गए बाहर, बोले जो सुनना था सुन लिया मैंने, बस। क्या बात है, ऐसा ऑडिशन कमाल का। उनकी उनकी बात ही और होती है। आबिदा परवीन के साथ भी बजाना था मुझे हारमोनियम, वो खुद आई बैठी, बोले कि अच्छा, हार्डली मैंने शायद मिनट भी नहीं बजाया हो, सुना, बोले कि अच्छा ठीक है स्टेज पे मिलेंगे, बस। कि उनकी, क्योंकि समझदारी ऐसी होती है, वो अलग होती है, उनकी लेवल ही कुछ है कि थोड़ा सुन लेते हैं बस, उनको इल्म हो जाता है कि भाई कौन क्या है, कितना बजा सकता है, नहीं बजा सकता है, सारी चीज़ों का। एंड अनूप जलोटा जी, अनूप जलोटा के साथ मैंने 2 बार आई प्लेड विद हिम। इन लोगों का ये है कि अभी ये तो रिहर्सल नहीं करते, बड़े बड़े स्टार जी, तो उनके साथ सीधा स्टेज पे जाके बजाना होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और ये क्योंकि गलती नहीं होना चाहिए,
गाना वहीं पे वो डिसाइड करते हैं, वहीं पे बजाते हैं और सुन के हमें बजाना पड़ता है उनके साथ, तो उनकी भी बात है। कभी कभी ये जो स्टार्स होते हैं, अनूप जलोटा जी हैं, गुलाम, ये गाना नहीं बोलते स्टेज पर, बोलते कि अच्छा अब दरबारी में है राग, नेक्स्ट गाना। गाना पता नहीं है कौन, लेकिन राग का इल्म होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। बोलेंगे कि अच्छा यमन में गाना है आगरा वाला, बस इस तरह से उनका ये उनकी स्टाइल अलग होती है। जैसे कि अभिजीत जी अभी की डेट के बीच में क्रॉकी सिंगिंग अभी सारी चल रही है, और पहले और अभी में क्या फर्क चल रहा है, कि आप इसके बीच में कैसे डेफिनेशन करेंगे क्रॉकी सिंगिंग और लाइव सिंगिंग में, कि अभी की क्या चीज़ मार्केट के अंदर या सिंगर्स को किस तरीके से जाना चाहिए? मैं तो मानता हूँ कि अभी भी मैं जो आते हैं स्टूडेंट सीखने के लिए, उनको बताता हूँ कि भाई अगर सही गाना सीखना हो, कैरियर सिंगिंग में कोई खराबी नहीं है, करना भी चाहिए, आज ट्रेंड है तो, प्रैक्टिस। लेकिन हाँ, लेकिन सीखना चाहिए और जहाँ तक हो सके लाइव म्यूजिशियन के साथ शो करना चाहिए, चाहे दो म्यूजिशियन हो चाहे एक म्यूजिशियन हो, लेकिन बस उनके उसके साथ लाइव कोई बजाता हो उसके साथ गाना, तो वो दैट इज़ द रियल टेस्ट गाने की। सिंगिंग बिल्कुल, सिंगिंग का बेस हाँ जी, हाँ जी, सिंग सिंगिंग का बेस उसी से बनता है कि लाइव म्यूजिशियन कोई साथ में बजाए। जी जी जैसे कि आप कितने सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, तो उसके बारे में बताएं कि कब आपने स्टार्ट किया और कितने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आप बजा लेते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं लकी हूँ, वे नसीब अच्छे हैं मेरे, कि मेरी मम्मी जो थी वो क्लासिकल सिंगर थी, वोकलिस्ट थी, बहुत अच्छा गाती थी, और मेरे फादर जो थे वो रिदमिस्ट थे, जी तो मुझे दोनों साइड का सीखने मिला, मुझे कि मेलोडी भी सीखने मिली और रिदम भी सीखा। तो पहले तो मैं डैडी के पास जाके वो तबला सीखे हम, क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी कि पहले रिदम बजाओ फिर जाके गाना गाओ, तो पहले उनसे सीखने को मिला, और फिर मेरी मम्मी से जो कि हारमोनियम थोड़ा सीखा और फिर वोकल सीखा। लेकिन साथ साथ ये भी हुआ कि मुझे मेरे जर्नी में ऐसे ऐसे नसीब से ऐसे ऐसे अच्छे कलाकार मुझे मिले हैं जिनसे मैं सीख सका हूँ, उनके साथ ट्रैवलिंग, क्योंकि पहले तो बहुत शोज़ करता था इंडिया में और ट्रैवलिंग रहती थी, शो के बाद भी अच्छे अच्छे म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिशियंस के संगत में बैठना, उनके पास से टेक्निक सीखना, ये सारा चीज़ में, तो वेस्टर्न म्यूज़िक भी सीख पाया और अपना ईस्टर्न म्यूज़िक भी मैं इसी तरह से सीखा उनके साथ साथ रह रहे के, ज़्यादा संगति में, कंपनी में बहुत सीखा म्यूजिशियंस के। कैसे कि आपने बताया कि मम्मी की ओर से आपको सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड पापा ने सिखाया, पेंटिंग कहाँ से आई? पेंटिंग तो ये पैदाइशी चीज़ थी मेरी, मैं किसी से सीखा नहीं हूँ। मेरी मम्मी कहती थी कि भाई ये जो है बोलता कम है, और बोले इससे पहले वो पेंटिंग करता था मैं जब छोटा था, ओके हाँ, जो आई कुड नॉट स्पीक, लेकिन वो पेन से मैं, तो ये मेरे ख्याल से कुदरती चीज़ है, ये एक नेचुरल, आई वॉज बॉर्न विद इट, ये पेंटिंग का जो सवाल है। फिर बाद में तो खुद के स्टडी से मैंने बड़े कम उम्र में गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स पास कर लिए इंडिया में इंटरमीडिएट तक, पेंटिंग के खुद ही सीखे बिना, ऐसे ही ऐसे, तो नेचुरल चीज़ है मैं मानता हूँ। और पेंटिंग थोड़ा अलग है, म्यूज़िक जो है, मैं दिस इज़ माई ओपिनियन कि म्यूज़िक सीखा जा सकता है, लेकिन मैंने बहुत पेंटर्स वगैरह को देखे, पेंटिंग ऐसी चीज़ है वो कुदरती होती है, और उसी आपको आइडिया मीज पेंटिंग में बीच में आप कार्टून बनाते हैं, को। तो कौन सा कार्टून आपका हमेशा फेवरेट रहा है जो पॉपुलर हुआ है? मेरे सोशल कार्टून्स बहुत पॉपुलर हुए हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर आसपास हर जगह पे देखो, जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर ही मैटर है, और इतना ही है कि कार्टून्स बनाने के लिए इट्स अ लिटिल डिफरेंट पेंटिंग से। कार्टून्स में ऑब्जर्वेशन बहुत चाहिए, जी कौन कैसे बैठा है, किस तरह से बात करता है, वो उसकी उसकी चाल कैसी है, उसके कमेंट्स कैसे हैं, तो जितना आप एब्जर्व करोगे सोसाइटी से, इतने अच्छे कार्टून बनेंगे आपके। क्या बात है अभिजीत जी, आपने हजारों शोज़ किए हैं, मी आई विटनेस हंड्रेड ऑफ शोज़, तो मैंने खुद विटनेस किए हैं फ्रॉम द लास्ट 14-15 ईयर्स। सो कोई ऐसा शो जो आपको यादगार बना बनाया हो, कि कभी ऐसा हो कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, या स्टेज के ऊपर, बिकॉज आई नो दैट कि बैक स्टेज की कोई ऐसी स्टोरी जो हम आपसे जानना चाहते हैं, कोई किसी को ना अब तक पता हो। एक तो मुझे याद है, ये तो इंडिया की बात है, बहुत साल पहले की बात जी है, मेरे ख्याल से 70 लेट 70s की बात है, तब मैं रिदम बजाता था, तब भी बजाता था, और तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाते हैं ना, रिदम वाले जो जी प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, और हम तो मैं क्योंकि वो कॉन्गस वगैरह बजाता था, तो मैं तो ऐसे बैठ के बजा रहा था, और तबले वाला जो है वो तो ऐसे बैठता ना वो, तो नीचे से जो प्लेटफॉर्म टूट गया, ओके हाँ, अब मैं तो रिदम बजा रहा था, अब इंडिया में गाना रोक नहीं पाते क्योंकि ऑडियंस पता है इंडिया की खड़ी जी हो जाती बिल्कुल, अब गाना कंटिन्यू बजाना है, तो मैं तो ऐसे ऐसे बजा रहा, तो मैं तो थोड़ा खड़ा हो गया और बजाते रह गया, और तबले वाला जो प्लेटफॉर्म यूँ ढल गया, तो तबले वाला तो ऐसे ही हो गया, वो तो गाना रुक नहीं सकता,
तो हमने उसी हालत में पूरे गाना पूरा बनाया बजाया, टूटे हुए प्लेटफॉर्म पे बैठकर। मैं तो खड़ा हो गया, तबले वाला ऐसे सोते सोते बजा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में गाना रोकना बड़ा बहुत भारी है। तब कहा कि भगवान हाँ जी आज बचा ले, आज बचा ले बस। यदि आप आपके कितने ही स्टूडेंट्स मेरे आज मत से कि काफ़ी हजारों में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में आपके स्टूडेंट्स हैं, और यू डन लाइक लॉट ऑफ इवेंट्स की हर वीक हर चल रही हैं, शामें चल रही हैं। सो कोई ऐसी शाम जौन सी आपकी लाइफ टाइम आपके स्टूडेंट्स की, जब आपने वो परफॉर्म कर रहे हो या समथिंग दे डन समथिंग गुड और बैड और समथिंग कुछ ऐसी यादगार कोई आप हमारे साथ शेयर करेंगे? यादगार तो ये है कि देखिए स्टूडेंट्स तो सब है, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, म्यूज़िक का अभी भी सीखता हूँ, लेकिन अच्छा लगता है कि क्योंकि सालाना मैं एक नटराज एकेडमी से एक कॉन्सर्ट करता हूँ जी हर साल, उसमें देखें कि वो कभी कभी बेसुरा हो जाते हैं, कभी बेताला हो जाते हैं, लेकिन ये है कि तो मैं देखता हूँ या सुनता हूँ, लेकिन अब ऑडियंस के सामने तो कुछ बोल नहीं सकते लोगों को जी। कभी ये अच्छी बात नहीं है कि ऑडियंस के सामने कुछ ऐसा करें कि स्टूडेंट भी है तो ख़राब लगे उनको, तो मैं कभी कभी बताता नहीं हूँ, देख लेता हूँ सुन लेता हूँ कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हुई है स्टेज पे, और बाद में उनको मैं टैकल करता हूँ ऑलवेज। लेकिन कई बार और मेरे मेमोरेबल शोज तो वही हैं कि जो मेरे स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं हर साल, आई फील प्राउड एंड रियली रियली वेरी हैप्पी। एंड कुछ जो आपको पता है कि कुछ जो गाने वाले हैं एकेडमी में बड़ा अच्छा गाते हैं, वो खुद भी कमर्शियल सिंगर्स हैं गाते हैं। अभिजीत जी कैसे कि सिंगिंग एक मीन्स जर्नी जो आपकी फ्रॉम आपके बचपन के साथ थी, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि कैसे कि इतने सारे कॉन्सर्ट्स हैं, आप इतनी सिंगिंग की तरफ टाइम देते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, लोगों को सिंगिंग का ज्ञान देते हैं, एंड वट अबाउट योर फैमिली सपोर्ट, बिकॉज वो टाइम निकालना ही बहुत मुश्किल है इस कंट्री में। मैं लोगों को कहता हूँ कि देखो ये लाइन में अगर आना है तो अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो ये अच्छा ही कि मत कुछ भी करो, आप म्यूजिक करो डांस करो जो भी, लेकिन ये एंटरटेनमेंट के बिजनेस में अगर आना है अगर फैमिली सपोर्ट सही नहीं है तो मत आओ, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं है तो दोनों साइड दुखी हो जाता है जी, हम भी दुखी हो जाते हैं हमारी फैमिली भी दुखी हो जाती है। मैं तो बहुत रियली बहुत ही नसीब है मेरे अच्छे, मेरी वाइफ से मैं मिला था तो हम कॉलेज में थे, तब से मैं जानती हूँ कि थोड़ा कलाकारी का टेम्परमेंट है, तो उसका साथ जो है बड़ा गजब का रहा है मेरा, उसमें सैक्रिफाइसेस बहुत होती है जी फैमिलीज के लिए, रातों रात जा के प्रैक्टिस करना पड़ता है, टूरिंग करनी पड़ती है, तो फैमिली अकेली हो जाती है। मेरी बेटी मुझे याद है, मेरी वाइफ पल्लू जो है वो डॉक्टर है जी, तो यहाँ पे जब आई थी वो उनको एग्ज़ाम पास करने थे, तो एग्ज़ाम जब और मेरी बेटी जब आई मैं आई थी अनाइटा वो छोटी थी, तो मेरे उन दिनों के प्राइवेट महफिलों में मुझे याद है कि मैं गा रहा हूँ और मेरी बेटी सो रही है मेरे लैप। ओके ऐसे भी मौके होते हैं, लेकिन ऑडियंस को एंटरटेन करना पड़ता है, वहीं पे सोती रहती है और मैं वहाँ पे महफिलें करता था। इस तरह की सपोर्ट अगर नहीं हो तो बहुत मुश्किल है, मतलब ये लाइन में आना नहीं चाहिए फिर। अभी तो आपकी बेटी इज़ डूइंग वेरी वेल, शी उसका भी अपना लैदर का एंड शी इज़ डूइंग ग्रोइंग वेरी वेल। आई जस्ट रिमेंबर, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आज से 13-14 ईयर्स पहले जब मैं यहाँ पे आया था, तभी मुझे नटराज अकेडमी ने मौका दिया था एज ए डांस टीचर वहाँ पे काम करने का, एंड बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, बहुत ही अच्छा आपने मौका दिया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो चीज़ें, वो यादगार चीज़ें कभी हमारी लाइफ की वो मेमोरेबल चीज़ें हम भूल नहीं पाते, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरी बेटी भी सीखती थी आपकी क्लास में, आपको याद जी 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 जी, जी तभी मुझे याद है जब आपने बोला बेटी छोटी होती थी, नाउ जब सारे के सारे लाइक दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। अभिजीत जी कैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं या कोई सिंगर्स है आज की दुनिया में जो सिंगिंग करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि व्हाट, उनको कुछ टिप्स ऐसे कि जो उनसे उनको हेल्पफुल हो? हाँ जी, एक चीज़ तो ये है कि आजकल मैं देख रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली कि ओवरनाइट स्टार्स बनना चाहते हैं जी, 10 दिन प्रैक्टिस कर लिया, 2 महीने प्रैक्टिस कर लिए, 4 गाने सीख लें, 10 गाने सीख लें और फिर उनको स्टारडम, ऑडियंस चाहिए, बड़े बड़े लोगों तालियां बजाए, तो जितना आप ऊपर जल्दी जाओगे उतने जल्दी नीचे आ जाओगे लाइन में जी। इससे बेहतर कि ग्राफ ऐसा हो धीरे 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 आप ऊपर जाए, और दूसरी बात ये है कि बहुत मेहनत की ज़रूरत है, इसमें मेहनत करना पड़ता है। अगर यहाँ पे तो सिडनी वगैरह ऑस्ट्रेलिया में ये है कि नौकरी भी करनी पड़ती है जी, तो हमारे जैसे लोग जो थे हम सुबह काम करते थे और रात को प्रैक्टिस करते थे कई घंटों, तो ये मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है।
और दूसरा है कि इतना ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए इंसान को, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना चाहिए। वो जो आपका ग्राफ होगा ना वो परमानेंट होता है, ओवरनाइट स्टार्स बनोगे इतने जल्दी गिर जाओगे ज़रूर से। अभिजीत जी, हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि रैप सिंगिंग के बारे में, जो आज की डेट में सिंगिंग का ट्रेंड बदल रहा है उसको, कि पहले गाने के अंदर एक मेलोडियस गाना होता था, सुनने को लगता था, अभी की डेट में शायद ही कोई ऐसा गाना है जिसके अंदर रैप नहीं आ रहा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, म्यूज़िक ऐसा है ना कि ट्रेंड होता है म्यूज़िक में। आज अगर मुझे देखिए, मेरा शौक गज़ल है, गज़लों का गाना, लेकिन ऑडियंस अभी भी है लेकिन कम है, तो ये म्यूज़िक में ट्रेंड रहता है। और मैं मानता हूँ कि अगर आप प्रोफेशनल म्यूजिशियन हो, कमर्शियल म्यूजिशियन हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो, तो ट्रेंड के साथ अगर आप नहीं चलोगे तो भूखे मरोगे जी। ये भी सही बात है, ये कमर्शियल रियलिटी है। तो इस ये बात नहीं है कि जो रैप गाना बनाते हैं उनको सिर्फ रैप आता है जी, वो अच्छे म्यूजिशियन भी होंगे शायद, बड़े अच्छे कंपोजर भी होंगे, लेकिन अब डिमांड ये पब्लिक की, ये करना पड़ता है। कमर्शियल अगर हो, खुद का शौक और है, लेकिन कमर्शियल ये करना पड़ता है। तो रैप है तो चलो कोई बात नहीं, अभी ट्रेंड है तो होना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। वो भी म्यूज़िक है अपने अपनी तरह से, शायद मुझे पसंद ना हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलना चाहिए इंसान को। नहीं, बहुत बढ़िया। अब जी, कौन से अभी कुछ आप हमें बताएंगे कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स? आने वाले प्रोजेक्ट्स म्यूज़िक के तो आते रहते हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह बनते रहते हैं, लेकिन मेरा ये एम्बिशन है, एक ऑब्जेक्टिव कि नेक्स्ट ईयर जो नए उभरते आवाज़ें हैं म्यूजिशियंस हैं उनके साथ काम करूँ जी, उनको कुछ इस तरह से पेश करूँ ऑडियंस में कि ऑडियंस ने ऐसी पेशगी ना देखी हो, सम डिफरेंट प्रेजेंटेशन उनको। मैं एक प्रोजेक्ट है जहन में, लोगों से बात कर रहा हूँ, कुछ बहुत अच्छी आवाज़ें हैं सिंडी में, मैं 8-7-8 आवाज़ें ऐसी हैं, कमाल की आवाज़ें हैं। एक तो मुझे स्टेज पे जाना है उनके साथ, दूसरा उनके साथ थोड़ा रिकॉर्डिंग भी करवाना है मेरे कंपोजिशंस के। ये एक बड़ी एक ये म्यूज़िक का ये प्रोजेक्ट है कि फ्यूचर में थोड़ी हैंड होल्डिंग सब कुछ चाहिए टाइम में, तो जहाँ तक हो सके मैं करना चाहता हूँ नए म्यूजिशियन सिंगर्स के लिए। ये था म्यूज़िक में। और दूसरा ये कि नेक्स्ट ईयर मैं तो किताबें भी लिखता हूँ, तो कुछ एक और किताब आ रही है मेरी, 2 पब्लिश हुई हैं, एक उस पर काम चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर वो बनेगी। और एक अभी अभी प्रपोजल आया कि पेंटिंग एग्जीबिशन हो जी, तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है मेरा। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। तो वो मीन्स कौन से एरिया में आप वो रखेंगे, प्लीज़ पैरामीटर साइड पे रखना। नहीं, सेंट्रल में रखेंगे, लोग सेंटर में पहुंच सके, कई बार सिटी पहुंचते पहुंचते सारे के सारे स्किप कर जाते हैं। दैट्स द बेस्ट वन, सवाल ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल करके। ये तो बहुत ही एक्साइटिंग आपके प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से हम अभी से उसकी वेट कर रहे हैं कैसे करके। और अभिजीत जी, कैसे कि अभी बॉलीवुड का ज़माना है, मूवीज़ का ज़माना है, और सारे के सारे अभी एक ट्रेंड आया है जौन से पीछे इतने सालों में मेहनत हुई है, अभी आने वाले 5 साल और 10 साल में, क्योंकि आपने देखा है सिडनी कहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया कहाँ से स्टार्ट हुआ, और किस तरीके कहाँ जा रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक, कि पहले जो हो गया है कितने सालों में, अभी अगले 5-10 सालों में क्या होने वाला है? मैंने तो तरक्की बहुत देखी है, क्योंकि आप ऐसे सिंगर्स इंडिया से भी ट्रेन होके आ रहे हैं, यहाँ पे सेटल हो रहे हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस और सिंगर्स हैं। और मेरा तो आई विश देम वेल एंड गुड लक। बट इतना ही है कि भाई, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ सिडनी में कि फ्रिक्शंस थोड़े बढ़ गई हैं। ये होता है, ये लाइन में, ये एंटरटेनमेंट बिजनेस में, सिडनी में भी हो रहा है, फ्रिक्शंस बढ़ रहे हैं सिंगर्स के बीच में, म्यूजिशियन सिंगर, ये नहीं होना चाहिए। म्यूज़िक तो देखिए यूनिवर्सल आर्ट है, इसकी कोई लैंग्वेज नहीं है जी, तो झगड़ के क्या करेंगे म्यूज़िक। तो इससे अच्छा तो ये है कि साथ मिलकर म्यूज़िक करो, अलग अलग बैंड्स हो, सही बात है, होना भी चाहिए, तभी कंपटीशन से इंसान आगे बढ़ता है, लेकिन झगड़ा नहीं होना चाहिए कभी। संगीत ये तो इससे लैंग्वेज ऑफ पीस, इसको लेके झगड़ो मत, कोई क्या टैलेंट है, ये इसने बेसुर लगा दिया, हम इससे बेहतर, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से सीखें और आगे बढ़ें सब, मैं तो ये बोलता हूँ लोगों को, नए कलर। और आई सी वेरी गुड फ्यूचर इन सिडनी, बिकॉज आई थिंक बहुत अच्छे आ रहे हैं अब सिंगर्स। कैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस में एक सब मैन परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ में। कई मैंने भी एक चीज़ सर सीखी थी कि ये शुरू से बचपन से सुनते आए हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन उसके साथ में एक और चीज़ ऐड हुई थी, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो वो सही दिशा के अंदर प्रैक्टिस भी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं, मैं लोगों को बताता हूँ कि ये नहीं कि मैं रोज सुबह 3 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ रियाज, उससे सिर्फ वो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आधा घंटा करो लेकिन सही करो। जी, कैसे कि हमें मौका लगा है, हमें एक रिक्वेस्ट है कि एक आपकी एक छोटा सा कोई गजल या छोटी सी कुछ अगर साज हो तो मैं कर सकता हूँ, एक लाइन हो जाए
फेवरेट व्हिच एवर योर फेवरेट जी, जगजीत जी आपके फेवरेट है, रफी जी आपके फेवरेट है, प्लीज वही गाना जो मैंने पहले गाया था, न हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया, न तुम हमें जानो। 76 का गाना है, पहली बार गाया था जी, आपकी खिदमत में पेश हो गया ये गाना। क्या बात है, थैंक यू सर जी, थैंक यू। मैं बता नहीं सकता अपने वर्ड्स के बीच में हाउ एक्साइटिंग, हाउ कितना मुझे आपके साथ बातचीत करने का मज़ा आया, कितना मेरे को इंतज़ार था, बिकॉज मेरे लिए खुद के लिए भी ये बहुत ही प्राउड की बात है एंड आपके साथ बातचीत करना, बिकॉज मेरे सफ़र के बीच में भी आपकी कलम से एक मेरी बुक में भी आपकी कलम से कुछ पेज लिखे हुए हैं। एंड एक चीज़, आप काफ़ी सारे इवेंट्स करते हैं एंड यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द चैरिटी टू, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे कि प्लीज़। हाँ जी, ये देखिए 10 साल पहले से मैंने बोथ मी एंड माय वाइफ हम लोग जो है हमने डिसाइड किया था 10 साल पहले, ये हुआ, ये बोलना ज़रूरी है, लोगों को बताना ज़रूरी है कि ये ट्रिगर क्या है इसका। 10 साल हो गए, My wife Palu was down with breast cancer, was diagnosed. उसके बाद जो हमने सोचा कि सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया है ऑस्ट्रेलिया में। मेरा बैकग्राउंड ये था कि मेरा बचपन और जवानी के दिन जो थे बड़ी गरीबी में मैं पला हूँ, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ख़राब और बड़े मुश्किल दिन मैंने देखे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हुआ और ये शी गॉट ब्रेस्ट कैंसर, तो हमने सोचा कि चलो शी रिकवर्ड, और हमने सोचा कि सोसाइटी ने हमें इतना दिया है तो हमें भी कुछ तो देना चाहिए सोसाइटी को। तो तब से हम जो भी हमने दोनों ने काफ़ी कुछ किया है फॉर कैंसर रिसर्च, फॉर मेडिकल रिसर्च ऑस्ट्रेलिया में, और तब से जितने भी मेरे क्रिएटिव परस्यूट्स हैं, कि मैं या किताबें लिखता हूँ, या तो कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ, या तो मैं पेंटिंग ऑक्शन करूँ अपने, सारा जो एंटायर मनी मैं डोनेट कर देता हूँ टू मेडिकल रिसर्च, स्पेशली कैंसर रिसर्च को, लास्ट 10 साल से। ये मेरा ये एक जर्नी रहा है और होपफुली यही बात आगे भी इसी बात को बनाएंगे। वाओ, तो दोस्तों आपने हमारे फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी के माध्यम से अवजीत सरकार जी से बातचीत करने का मुझे मौका मिला एंड आपने देखा कि किस तरीके से अपनी लाइफ एज ए आर्टिस्ट सारी की सारी एक अच्छे कॉज के लिए, क्योंकि लोगों को अवेयर करवाने के लिए कि किस तरीके से, और मेडिकल लाइन के अंदर कैंसर को देने पे वो उन्होंने दिया और सारी की सारी लाइफ की पूंजी उधर जा रही है, दैट्स बहुत ही बढ़िया ये चीज़ है। और आपसे, यू आर द लेजेंड, आपसे हर चीज़ सीखने को मिलती है, हर चीज़। और अभिजीत जी, आप, आई डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्रेस, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं इस चीज़ को भी बोलने के लिए, लेकिन अभिजीत जी किस तरीके से आपने सिडनी को, पूरी सिडनी, आई एम नॉट सिडनी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया और कितने भी इंडिया में भी करके, जो आपसे सीखने को मिलता है ना, आज तक कोई ऐसा मेरे सामने नाम नहीं आया जिसको मैं कह सकूं कि अभिजीत सरकार के वो सेम लेवल या कुछ भी, वी यू लाइक, हमारे लिए आप मीन्स हम वी प्राउड, वी हम प्राउड ये फील करते हैं कि हम आपके आस पास हैं, थैंक यू करके। एंड अभिजीत जी, इसी के साथ मैं बहुत बहुत आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने समय निकाल के मेरे स्टूडियो में, यहाँ पे फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी के स्टूडियो में आए, एंड बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड दोस्तों, इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं, मैं अभिजीत जी के साथ फिर से आपकी मुलाकात करवाऊँगा जब पेंटिंग का हमारा एग्जीबिशन होगा और नेक्स्ट बुक आएगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले सप्ताह इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टार्टअप। धन्यवाद। थैंक यू।